कैसा ओम टाइप का छाप दिख रहा है देख पानी में, पानी में देख कैसा ओम टाइप का छाप दिख रहा है देख। प्योर प्लेस, और इस पानी को कभी कोई गंदा भी नहीं करता है। आना है तो कभी अपने मन से फूल वगैरह डाल सकते हैं, ना पत्थर मारना ना कुछ मारना, नहीं तो यहाँ पे एकदम से बारिश वगैरह लग। ये ऐसी बू, यहाँ से हम आए चढ़ के पूरा यहाँ पे इस तालाब को देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ रहे हैं मुल्टी बाई तार, यहाँ से बढ़ते करते हम तगड़ा चढ़ाया गया। आपको दिखाते हैं अभी मुल्टी बाई का तार। चलो तक आप नज़ारे एंजॉय करो। सब थक गए भाई की हिमांशु जा रहा है, रुक जा है जल्दी आओ ना। अभी हम पहुंचने में अभी आधा घंटा, तो देखते हैं कैसा। चढ़ाई बहुत ही तगड़ा है यार, सदा हिमांशु हम भी पहाड़ी बनने। अभी बहुत जाना है हमें, अभी हमको यहाँ से इस सीढ़ी से होते हुए ऐसा जाना ना इधर तक जाना, अभी बहुत एयर नंबर आता। अब हम चल रहे हैं अपने रास्ते में ट्रेन पकड़ के, बारिश भी आ रहा है। दिल्ली पैदल बहुत ट्रेन है, हम ऊपर चढ़ाई में चढ़ी गए। तीसरा रास्ता कितने देर में आएगा यार? हाँ तीसरा रास्ता कौन सा? हाँ अभी इस बड़े पत्थर के पास जाना है, वहाँ से तीसरा रास्ता। फाइनली उस पत्थर तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग, पर उससे भी ऊपर और जाना है यार। पर ये जो दिख रहा है वो भूज पत्थर के पेड़, अरे वाह गजब अमेजिंग। पर ट्रैक बहुत सॉलिड है यार, खतरनाक ट्रैक। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो हमको रास्ते में दिखा बत्री यानी भोजपत्र का पेड़। एक बार निकाल के दिखा पन्ना, ये ऐसा ना का होता है ये देखो, दिखा तो दिखा ये भोजपत्र का पेड़। इसमें आगे से लिखो इधर से लिखो कैसे भी लिख सकते हैं कुछ नहीं। अब इसको लेके जाऊंगा मैं घर निशाने के तौर पर, लैस को जेब में डाल। मज़ा तो आ रहा है पर ये बारिश काम बिगाड़ दिया कल से यार हमारा। तो चलते अब आगे, अभी आगे और जाना है। चलो आई थिंक अब फाइनली हमारा तीसरा रास्ता आ गया है। यहाँ पे से थोड़ा ये दिखाता हूँ, यस आ गया, आ गया तीसरा रास्ता। अब यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। हाँ बैठने का जगह, और ये हमारा गांव सिंकू, इतना छोटा सा दिख रहा है यहाँ से।
वहाँ से आए इधर, हम वहाँ से इधर राइट ट्रैक करके और भाई हमारा इधर पहुँच चुका है। तो अभी हम जा रहे थे मुलती भाई, तो बारिश पड़ गया है तो अभी छतरी के अंदर है, हम देखते हैं अभी थोड़ा है ज़्यादा नहीं, पर बहुत थकान लग गया ट्रैक ने। ये जगह है बहुत सॉलिड, ट्रैक ने आफत कर दिया हमारा बहुत ज़्यादा। अभी आ रहे उधर से अभी पहुँची नहीं है, आ रही है और यहाँ से दिखते हैं हमारा सीपू गांव, हमारा लास्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड इंडिया दारमा वैली। तो अब मिलते हैं आगे चलते चलो। और ये देख फूक तो मारी इसमें। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा, अभी है कितना ज़्यादा आ रहा, और यहाँ पामा का बहुत ज़्यादा है यार वेराइटी। ये जो ये दिख रहा है इसको जलाने से बहुत बढ़िया खुशबू आता है सुखाने के बाद। और भूजपत्र इधर बहुत है, बहुत सारे रहते हैं। तो बारिश हो रहा है अभी, देखते हैं कैसा। हम पहुँच चुके हैं घने जंगल में, घने जंगल में पहुँच चुके हैं, अभी चलते जा रहे हैं। कितने देर में पहुँचेंगे मानसो? यार नज़ारा तो देखने को मिलता है, वो मिलती भाई है। सही बताना आप, मिलती भाई से कोई बड़े जगह के मिल नहीं सकता आपको, और सबसे फेमस जगह भी है इधर ये, मतलब सबसे बेस्ट है मतलब ना। हाँ तो जो अभी आ रहे हैं हमारे पीछे, क्या बोला? पीछे हमारी दीदी आ रही है, खाने तक चले होगी। हाँ पर जो ये रास्ता है ना, हम कम कम खाए घर हो मोटे हो के आओगे तो कम नहीं पाओगे क्योंकि पहाड़ों में, और यहाँ पे बर्फ भी है। ये अभी हमें बीचों बीच जंगल में और फूल चारों तरफ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ा है, पर रास्ते में हमको भूजपत्र का बहुत पुराना पेड़ दिख गया। तो ये देखो ये इसमें से बहुत सारा पन्ना निकल जाता है। अब हम चलते हैं पेड़, सबसे ज़्यादा इधर भूजपत्र के ही पेड़ है ना यार, ये देखो सारे भूजपत्र के पेड़ है यार साल का। इधर भालू आता है? हाँ तो अभी हम पहुंचने वाले हैं और चढ़ाई देखो कैसा लग रहा है वहाँ पे बैठ के। अच्छा ये लास्ट चढ़ाई है और तालाब के नज़ारे। अच्छा अंशु तो पहुंच गया। पहुंच गए, कैसा है? पहुंचने वाले हम लोग, बस थोड़ा और ये जहाँ पे भाई बैठा है वहां से नज़ारा दिखेगा एकदम खतरनाक वाला। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही है क्या? हाँ तालाब दिख रहा है, अभी दिखेगा तालाब का भी, ओ टॉप में शायद आ रहे भी हिसाब से। अभी कौन से टॉप में? ओ वाले में शायद आ, पता नहीं क्या पता यहाँ पे भी हो सकता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो ऊपर वाले में, पानी ऊपर से आ रहा है ना, पर ना? पानी ऊपर से ही आ रहा है। अभी हमें जगह देखो एकदम सॉलिड। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, और जो ये यहाँ पे ये टापू दिख रहा है, इस टापू पे हमारे इस पेड़ के जस्ट बगल में हमारा है मुलती भाई ताल। और हम थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा,
पूरी किस तरीके से, अब देखते हैं। मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया यार। मजा आ रहा है, बारिश छतरी हमारे था। तो अभी अभी जाने हुए था टॉप में, सही है नहीं? व्यू देखो यार, अभी हमको अभी जाना है और बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है यार वो पहाड़ में। हमारे गांव से बहुत ज्यादा दूर है, चलना है। हमें मिल चुका है मुंती माई का पानी, अभी हमें जाना है तालाब की तरफ। ऊपर पे अभी शांति है, अलग लेवल की है। थक गया मानसो, अंशु पहुंच गया है ना वहां पे, अभी हाथ लेगा वहां से। अंशु पहुंच गया, आ जाओ बोले, पहुंच गया यार। अब हम भी चलते हैं बहुत, अभी देखो अभी तो बहुत जाना है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मुंती माई तार, और ये हमारा पानी का स्रोत, अब यहाँ से दिखेगा आपको थोड़ा। अब आ रहे वाला सीन बहुत ही प्यारा वाला, देखो नज़ारा। और बारिश भी रुक चुका है, और ये रहा मुंती माई ताल। बीच टापू में ये नदी तालाब ऐसे आया। खोल तो बारिश रहते खोल। फाइनली मजा आ गया, देख के बारिश भी हो रहा है मजे। हाँ जब धूप पड़ता है ना तो इसमें कलर भी बदलता है, अलग अलग रंग दे जाए, ब्लू ग्रीन येलो वगैरह, सात तरह के रंग ले जाने 12-13 किलो के लिए। अब आते हैं इसमें, अभी आगे देखे सारा और हम पहुँच चुके हैं आगे। बहुत ही शांत प्लेस, प्योर मतलब ना प्योर जगह नहीं एकदम, ये आएगा तो फुल सेफ्टी के साथ। इस पानी को छूना भी नहीं पड़ता, अगर इसमें कुछ पत्थर वत्थर मारेंगे तो पानी बारिश वगैरह बहुत तेज़ हो जाता है उसी टाइम। अभी देखो इसमें दो कलर लगे हुए हैं।
और यहाँ का नज़ारा, सुंदर सुंदर नज़ारे। देखो कहाँ कुट्टी चीन है, कहाँ। और यहाँ से ऊपर एक ग्लेशियर भी दिखता है, अभी बादल लगा है, ढका हुआ है। इसी का पानी जो हम नल में पीते हैं वही आता है गांव में, पूरे गांव में यही पानी आता है पूरा। आईने ली दीदी भी आ गई है, कैसा लग रहा है, कहाँ से लाई फूल। ऊपर चढ़ा तू, अच्छा वो। अब एक और तगड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी और एक और तगड़ा नज़ारा इस टॉप से हम आपको दिखाएंगे अपना पूरा गांव। इस टॉप से अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा गांव। कुछ होगा तो नहीं ना, ओए यहाँ पे से उधर से। अच्छा देखा, ये दिखा हमारा सिक्कू गांव का छोटा सा नज़ारा। चलना बस कितना यहाँ से सिक्कू। पूरा सिक्कू ये ऐसी बू। यहाँ से हम आए चढ़ के पूरा यहाँ पे इस तालाब को देखने के लिए। अगर किसी को ब्रह्म कमल चाहिए होता है तो उस चोटी में जाना पड़ता है, उधर ही लगता है ब्रह्म कमल। यहाँ से टॉप में इधर तक ऊपर टॉप में तक जाना पड़ता है ब्रह्म कमल के लिए। तो अभी हम हैं मुलती माई में, थोड़ा घूम रहे हैं, अभी जा रहे हैं देखते उधर तरीके से। और ऊपर ये मुलती माई कैसा ओम टाइप का छाप दिख रहा है, देख पानी में, पानी में देख कैसा ओम टाइप का छाप दिख रहा है। तो देख दूर ही रहना थोड़ा तालाब से, ऐसा तेज बारिश आएगा ना तो फंस जाएंगे। यहाँ पे आके मजा आ गया। तो अभी हमें मुंशी बाई ताल में तो देखो ऐसा है नज़ारा पूरा मजा बनने। और ये हिमांशु हमारे वो ऊपर से फूल तोड़ के लेके आ रहे है, बंद करना हिमांशु हाथ तो हिला। तो ये हमारा मुलती बाई ताल 12,600 कुछ फीट की ऊंचाई पे स्थित है। शांत बिल्कुल एकांत प्योर प्लेस, और इस पानी को कभी कोई गंदा भी नहीं करता है। आना है तो कभी अपने मन से फूल वगैरह डाल सकते हैं, ना पत्थर मारना ना कुछ मारना, नहीं तो यहाँ पे एकदम से बारिश वगैरह लग जाता है। और ये हिमांशु के लिए क्या क्या फूल भाई। पहुँचने के बाद मुलती माई देखने के बाद अब हम चल रहे घर। चल थैंक यू हिमांशु, हिमांशु थैंक यू यार। ओके अब चलते हैं घर। कहाँ पे से, इसी इसी यहाँ से चले उधर से यहीं से। चलो अब हम चलेंगे सीधे घर, लेट हो गया काफ़ी। लड़ाई बहुत खतरनाक है, पर नज़ारे अगर ऐसी चाहिए तो इधर ही आना है। कहाँ से जाना है, ऊपर मत चले गल जाएगा। देखो ग्लेशियर पार करके जा रहे हैं हम लोग, खतरनाक। आ जा
अब चलते हैं घर, घर की ओर। इसको हाथ लगा सकते हैं? हाँ नीचे पे लगाएंगे। चलो यहाँ पे तो नहीं है अलाव। अरे इतना प्यारे फूल लगे हुए एकदम। तो अभी इस पानी को हम पी भी सकते हैं। अब देखा, अभी मैं इसको पी के दिखाता हूँ। ये पानी इतना शुद्ध है, इसको हम पी भी सकते हैं। ब्रिज पे ले यार। यही पानी हमारे घर में आता है, मतलब डारमा में आता है घर में। चलो तो अब चलते, अभी हमें जाना है बहुत नीचे। ये देखो रास्ता, अभी हमें इसके नीचे तक जाना है पूरा। मेरा हाथ बहुत ठंडा हो गया, और जगह एकदम एक नंबर, बहुत ही प्यारा। आराम से आओ, फोटो खींचो, मजे करो, और कोई गंदगी भी नहीं करना हो यहाँ पे। तो अब हम चलते। तो अभी हम आ रहे थे नीचे मुंती भाई से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसको बोलते हैं हमारे भाषा में गुफा। इसमें आते हैं बकरी, जो लेके आते हैं ना बकरी, वो चराने वाले इसमें बैठते मस्त करके। तो अब हम चलते आगे। तो अभी हम ऊपर से उस टॉप से नीचे आगे आने में पता ही नहीं चला, और जाते वक्त ऐसा पता है ना मन कहीं मरने टाइप का हो गया। तो अब हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से दिख रहा है हमारा गांव, ये देखिए ये रहा। अभी हमको इतना नीचे जाना है, अभी और आना भी बहुत दूर है, जाना भी बहुत दूर। अब हमारा ये दिख रहा है गाँव जीता। अभी हमें यहाँ पे जाना है इस तरह, इस कोने पे। अबे उड़ा ही नहीं है। फूक मारो, कौन मार रहा है? ओ रहा, अभी हमें ओ नीचे जाना है। ओ है माता जी, बोलना। ओ है, ओ नहीं है ना यहाँ पे। देश सोन, और वो वहाँ पे मार्च है। तो अभी हम थोड़े रेस्ट करने के बाद अब चलते हैं अब घर की तरफ। अभी हम देखेंगे दूसरा रूट लंबा वाला, उधर से देख के चलो सब करते हैं। चलो अभी उधर से, अभी हम जाएंगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से जाएंगे इसके पीछे से उधर, फिर नीचे आएंगे उधर से ऐसा। हम अपने घर की तरफ तो अब चलते उधर करते। तो अब हम जा रहे इस तरफ से, वो वहाँ पहुँच गए हिमान सर। चलो जल्दी चलो। कैसा वीडियो बना रहे? चलो चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं। हमने लिया था मुल्ती में से दूसरा रूट, तो यहाँ पे हमने दूसरा भी इसलिए लिया ताकि वो देखो पीछे वहाँ से आ रही है, इसलिए लिया हमने ताकि यहाँ पे शिव जी भगवान का मंदिर है, और ये सबसे पुराना बर्ड ट्री भूज पत्र का पेड़। देखिए इस वजह से हमने दूसरा रूट लिया।
गया मतलब यार यहाँ पे गाय अब यहाँ से हम पहुँच ही गए लगभग लगभग वो रहा हमारा घर मम्मी लोग देखे हैं तो अब चलते हैं मज़ा आ गया यार आज के टूर में आज के टूर में हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया मतलब बढ़िया और कैसा लगा हिमांशु तभी तो हमारे साथ कैसा लगा हम लोग गए थे उस टॉप में यहाँ इस वाले टॉप में गए थे इस यहाँ से फिर अंदर गए फिर और आगे बहुत लंबा था यार तो अगर वीडियो यहाँ तक दिखा था अगर वीडियो यहाँ तक देखे लाइक कमेंट करके बताना कैसा लगा तो फाइनली भी अरिंदर विलेज और लाइक कमेंट करके बताने की वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके बताना बिल्कुल तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये हम जा रहे हैं अब अपने घर चलते हैं।